सबसे पहले तो मैं दुर्गाजी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में डेवलपमेंट पे सबका फोकस लाया, क्योंकि हम भी डेवलपमेंट की बात करते हैं। जातिवाद को हटाकर इस राज्य के भले के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा है। इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। नूराकी जी, आपका स्वराज चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ कि पिछले 5 साल जो लोगों ने मुझे दिए, उसमें मैंने हमेशा वही बात की जो आप बात कर रहे हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको देखना है तो हमारी 22 स्कूल देखिए, हमारा डिजिटलाइजेशन का रेवोल्यूशन देखिए, आइए हमारी स्टडी सेंटर लाइब्रेरीज देखिए, आइए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एजुकेशन के लिए खड़ा किया वो देखिए। आप फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करते हैं, आइए हमारा हाइजीन का इम्प्रूवमेंट देखिए, आइए देखिए कि हम कैसे मदर एंड चाइल्ड केयर का नया अस्पताल बना रहे, आइए देखिए हमारी आंचल स्कीम जो महिलाओं के लिए है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिनको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और मैटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप बात करते हैं वाटर और सैनिटेशन की, पानी इंसान की बेसिक जरूरत है, लेकिन भिवंडी शहर में ऐसे कई इलाके थे जहां पानी नहीं था। आज हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हर जगह की हुई है। आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम भी वही बात करते हैं। ध्रुवराजी जी, आप बात करते हैं लोकल बिजनेसेस के बारे में, मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ। हमने मुंबई में स्टार्टअप के लिए एक पूरी कंपनी बनाई। अब भिवंडी में आप देखिए, मैं हमेशा लोकल बिजनेस को और स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता हूँ। लोकल बिजनेस है यहाँ पर मोती उद्योग का, हमने MIDC लिंक कराना चाहते हैं। हमारा लोकल बिजनेस है पावर लूम का, हमने उनके लिए सब्सिडी भी लाई, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, ट्रेनिंग भी लाएंगे और मार्केट सेंटर्स भी खोलेंगे। हम उसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम हमारे लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर कर सकें। जो मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे हमारे भी हैं। आप 5 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए, हमारे काम देखिए, और इसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों को कहिए, चुनाव डेवलपमेंट के ऊपर, चुनाव धर्म और राजनीति के ऊपर। थैंक यू।